आज हम नेशनल लोक अदालत है जो कि नेशनल लेवल पे और यूटी लेवल पर हर कोर्ट में ऑर्गेनाइज की जा रही है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने लोक अदालत का इंतजाम किया है। उसके तहत हमने 30 बेंचेस बनाए हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में और उनमें मैक्सिमम जो केसेस हैं वो एक्सीडेंट क्लेम्स केसेस, बैंक रिकवरी केसेस, फैमिली डिस्प्यूट्स एंड देन समरी ट्रायल मैटर्स एज वेल एज ऐसे केसेस जिसमें पार्टीज़ ने बाहमी राजीनामा किया है और अदालत के कोशिशों से उन्होंने राजीनामा कर लिया है और वो करेंगे। उन सब मैटर्स को हमने आज पोस्ट किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ये लोक अदालत का जो प्रोसेस स्टार्ट किया उसमें हमने प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन दोनों किस्म के मैटर्स रखे हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने पिछले एक महीने से प्री लोक अदालत बेंचेस बनाए हैं ताकि पार्टीज़ को आमादा किया जाए कि वो आपस में राजीनामा करें, एक कॉमन सेटलमेंट करें। उसके बेसिस पे आज ये नेशनल लोक अदालत हुई है और हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑनरेबल जस्टिस ताशीर अबिस्तान साहब खुद तशरीफ़ फरमा हुए और MACT के जो बेंच में हमारे साथ बैठ के काफ़ी केसेस डिस्पोज ऑफ हुए और कुछ केसेस में नियर अबाउट 1 करोड़ का कंपनसेशन 5-6 केसेस में ऑन स्पॉट उन्होंने जो क्लेमेंट्स को डिसबर्स किया है, चेक्स उनको अदा किए हैं। उसी तरह से बैंक रिकवरी सूट्स में भी लॉर्डशिप्स ने खुद जाके वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ इंटरेक्ट करके जो कि मेंबर थे इस बेंच के और बैंक के रिकवरी सूट डिफरेंट बैंक्स के जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, EDB है, PNB है, बैंक ऑफ इंडिया है और सभी की कोऑपरेशन से ये लोक अदालत सक्सेसफुल अभी तक जा रही है। वो हमें खुशी है और हमें यकीन है कि आज हम अच्छे केसेस डिस्पोज ऑफ करेंगे सो दैट कि पार्टीज़ को विन विन पोजिशन पर यहाँ से जाएँ। अब आपके व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करिए 972825 3663 पर।